स्वागत है। ब्रेक के बाद सीधे लिए चलते हैं आपको रोहतक, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित करने का काम भी किया है। उसमें से एक संप्रदाय नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय का स्थान हमारे हिंदू संप्रदायों में एक अद्वितीय स्थान रहा है और कहते हैं कि नाथ संप्रदाय की शुरुआत आदिनाथ स्वयं शिव ने की है। मैं बहुत बाल्यकाल में अजंता इलोरा की गुफाओं में गया था और वहां शिव जी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो सारी प्रतिमाओं के कान में कुंडल मैंने देखा है। और नाथ संप्रदाय भी आज भी आदि गुरु की स्मृति में कान में कुंडल लगाकर वो परंपरा का वहन करता है। और नाथ संप्रदाय में नौ नाथों की परंपरा में इसी स्थान पर महंत चौरंगी नाथ से लेकर बाबा मस्तनाथ से लेकर यहां पर अब बालकनाथ जी तक कई संतों ने समाज सेवा के अनेक आयाम यहां गढ़ने का काम किया है। और इसी के कारण आज इस मठ के प्रति पूरे पंथक में, चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, एक श्रद्धा भाव का प्रादुर्भाव हुआ है। और इसके साथ साथ मठ ने आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण संस्थान भी बनाए और एक प्रकार से यज्ञ भी चालू किया। मुझे मालूम है जब कोरोना का काल आया मैं सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से बात करता था। हरियाणा में जो 5-6 संस्थाओं से मैंने बात की थी इसमें एक बालकनाथ जी से भी बात करी, परंतु अविरत रूप से इस मठ ने आगे बढ़कर यहां पर सेवा का एक यज्ञ करा था। और यहां पर 8वीं शताब्दी से जो सेवा की परंपरा चालू रही है, महंत चांदनाथ जी को भी मैं मिला था और अब उनके शिष्य बालकनाथ जी ये परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई बार संतों महंतों को नीति घड़ने वाले हमारे स्थानकों में प्रवेश का प्लेटफॉर्म रही है। महंत चांदनाथ जी भी राजस्थान में विधायक रहे, बाद में अलवर से सांसद बने, बालकनाथ जी भी अलवर से सांसद बने, अब राजस्थान में विधायक बनने के लिए फिर से जा रहे हैं। और ये परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है वो परंपरा से विधानसभाओं और संसद में अनेक संस्कृति को घड़ने के आयाम हमारे संतों महंतों ने हमारे कानून बनाने वाली संस्थाओं में रखे हैं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब एक बात का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। अभी अभी एशियाई खेल 2022 समाप्त हुए और हम सब के लिए आनंद का विषय है और हरियाणा के लिए और आनंद का विषय है कि एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतने का सबसे पहली बार आजादी के बाद भारत को सम्मान मिला है। हर खेलों में, चाहे टोक्यो ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, डैम्प ओलंपिक हो, थॉमस कप हो, कॉमनवेल्थ हो और विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिताएं, हर जगह पर 2014 के बाद उत्तरो उत्तर भारत ने प्रगति करी। इसका मुख्य कारण है मोदी जी ने खेलों के लिए सिर्फ भाषण नहीं किए, गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं की खोज करना, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, उनके वित्त पोषण और शरीर के पोषण की चिंता करना, प्रतिभाओं के बीच में से पारदर्शी तरीके से खिलाड़ियों का चयन करना और उसके बाद वो खिलाड़ी
विश्व के रिकॉर्ड के बराबर हो तब तक उसके खेलों में उन्नयन के लिए सतत प्रयासरत रहना। अनेक विध योजनाएं और अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं गेम चेंजर साबित हुए हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा तब हर क्षेत्र की तरह खेलों में भी भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। आज इस मंच से मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों अभी अभी G20 हुआ, आप सभी ने देखा होगा G20 में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ सुबह राष्ट्रपिता की समाधि पर एक साथ पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते थे। वो दृश्य समग्र भारत के लिए गौरव का दृश्य है। और मोदी जी ने जो दिल्ली घोषणा पत्र रखा वो दिल्ली घोषणा पत्र को इतनी विषम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति में जब युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, पूरी दुनिया बटी हुई है, सर्वानुमत से पारित कर राष्ट्र को बहुत बड़ा यश दिलाया है। और कई सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो आने वाले दिनों में हमारे अर्थतंत्र को गति देने वाले सिद्ध हो गए और कूटनीतिक क्षेत्र में भारत को बहुत आगे ले जाएंगे। आज यहां पर मैंने एक फिल्म देखी, बाबा मस्तनाथ का समाधि का मंदिर, एक कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर जो चांदनाथ जी का स्वप्न था उसका काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है, वो हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। विगत 9 वर्ष के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को पुनरोद्धार करने का काम किया है, पुनः चेतना प्रस्थापित करने का काम किया है। कई सालों से हम राह देख रहे थे, 550 साल का संघर्ष और एक आंदोलन रहा, अयोध्या में राम मंदिर श्री राम की जन्मभूमि पर बने, कई सालों तक हम लड़ाई लड़ते रहे, मगर 2019 में देश ने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया और एक दिन सुबह रक्त की बूंद बहाए बगैर मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया। और मित्रों जनवरी 2024 में हम सब बहुत भाग्यवान है कि हमारे जीवन में ही हम देख पाएंगे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां ही रामलल्ला विराजमान होंगे और समग्र विश्व के अंदर सनातन धर्म का फिर से जय जयकार होगा। इसके साथ ही औरंगजेब के समय में तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से बना, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना, सोमनाथ सुवर्ण से मंडित हो रहा है, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनरोद्धार हुआ, करतारपुर कॉरिडोर बना और कश्मीर में शारदा पीठ आदि शंकर की शारदा पीठ की पुनर्स्थापना करने का काम, यही 9 साल। ये 9 साल एक प्रकार से हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के 9 साल है। योग के माध्यम से मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर योग और आयुर्वेद को, भारत की ये पुरातन हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर को लोकप्रिय बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसके साथ ही काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम और काशी सौराष्ट्र संगमम के माध्यम से दक्षिण और उत्तर को जोड़ने का काम भी मोदी जी ने कहा है। और पार्लियामेंट का जब नया बिल्डिंग बना तब पूरे विधि विधान के साथ
चोल साम्राज्य के प्रतीक धर्मदंड सेंगोल को हमारी पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी ने, और इससे समग्र देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन को एक बहुत बड़ी गति और चेतना मिली है। आज यहां पर महंत चांदनाथ जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, भंडारा भी हुआ है। महंत चांदनाथ जी के मेरा संपर्क उनके जीवन के अंत काल में ही आया, परंतु कई बार उन्होंने मुझे कई प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियां कराई है। मैं महंत चांदनाथ जी को आज बड़े मन के साथ भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि बाबा मस्तनाथ की तपोस्थली ये भूमि से अभी भी सैकड़ों सालों तक सेवा की और धर्म की सर्वाणी यहां से बहती रहे और लोगों के जीवन का कल्याण हो, यही ईश्वर प्रार्थना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रसारण रोहतक से देख रहे थे।